सागर जिले के विकासखंड केसली के विद्युत कार्यालय स्थित परिसर में संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण सात दिवसीय कथा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित राजकुमार दुबे शास्त्री जी के मुख से उपस्थित भक्त श्रद्धालुओं को चार दिवसीय रसपान कराया जा रहा है। केसली नगर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी नरसिंह मंदिर परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मुख्य जजमान पंचूलाल श्रीमती अनीता पटेल सहित झब्बू पटेल श्रीमती राधा रानी पटेल के द्वारा कथावाचक पंडित राजकुमार शास्त्री जी के द्वारा उपस्थित हुए धर्म प्रेमी बंधुओं को चार दिन से भक्ति रूपी रसपान कराया जा रहा है, जिसमें आज बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे एवं कथा श्रवण का लाभ एवं भक्ति भाव में लीन दिखाई। व्रत में हमारी खराब आदतें हमें छोड़ना चाहिए, उसका नाम व्रत है। और जिस दिन हमारा उपास हो, जिस दिन हमारा कोई व्रत हो, उस दिन बार 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 फलाहार करने से हमारा व्रत नष्ट हो जाता है। बार बार खाने से व्रत नष्ट हो जाता है। पान के खाने से व्रत नष्ट हो जाता है। पान खाने से व्रत नष्ट हो जाता है। और व्रत के बिना सोने से यदि हम बिस्तर पर सो जाए कि आज हमारा व्रत है, आज हम उपास हैं, सो रहे हैं, सोने से व्रत नष्ट हो जाता है। बहुत से देखे बोले कहा भैया कहाँ गए, मम्मी कहा है कि आज उपास हैं, सो रही है, गए। ऐसा करने से व्रत नष्ट हो सभी कुछ है तेरा स्वामी, सभी कुछ है तेरा, तेरा कुछ को अरे प्रभु जी का, प्रभु जी को अरे शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने कहा नहीं, केवल सिर्फ कुछ अर्पण कर दिया। जो यज्ञों में हजारों पशुओं का जिन्होंने बलिदान किया, नारद जी ने आकर के उन जीवों को दिखाया, उन्होंने पशुओं को दिखाया कि आज जितने तुमने जीव मारे हैं, सब जीव लप लपा रहे तुम्हारे इंतजार कर रहे, जितने तुमने घोड़ा बकरा प्राचीन बरही ने जितने जीव हत्या की थी, सब बदला लेने के लिए आतुर हैं। शास्त्र कहते हैं कि हम किसी का वध करें या किसी के साथ में कुछ करें तो वो जीव हमसे बदला लेता है।